दोस्तों, आज तक आपने फिल्मी सितारों की लव स्टोरी और उनके फिल्मी करियर के बारे में ही जानने की कोशिश की होगी, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इन फिल्मी सितारों ने आखिरकार शादी क्यों नहीं की? आखिरकार कौन से थे वो कारण कि इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अकेले बिताने को मंजूर कर लिया, लेकिन किसी पार्टनर का साथ नहीं चाहा? क्या इन्हें अपना मन पसंदीदा साथी नहीं मिला, या फिर इनके शादी ना करने के पीछे कुछ और ही कहानी है? बिना शादी के भी इनके कितने बच्चे हैं? इस बारे में जानकर तो यकीन मानिए आपके होश उड़ जाएंगे। तो अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हैं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं और आपके होश भी उड़ाते हैं। नंबर वन, सलमान खान। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर हैं सलमान भाई, जो कि सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के दिल की धड़कन है। अपने स्टाइल और अपने बिहेवियर की वजह से तो ये हमेशा सुर्खियों में बने ही रहते हैं, लेकिन ये उससे भी ज्यादा अपनी शादी ना करने की वजह से जाने जाते हैं। हर कोई सलमान खान से शादी करने के लिए बेताब रहता है, आई मीन उसी की लड़कियां, लेकिन सलमान को आज तक कोई भी ऐसी लड़की पसंद नहीं आई जिसे वो अपना जीवन साथी बना सके। सलमान की उम्र अभी 57 साल है, लेकिन इतनी उम्र के बावजूद भी इन्होंने कभी शादी करने का सोचा ही नहीं। वैसे तो सलमान खान का नाम बहुत सी एक्ट्रेसेस के साथ में जुड़ा है, जिनमें कटरीना कैफ, ऐश्वर्या राय, संगीता बिजलानी और ऐसी ही बहुत सी खूबसूरत एक्ट्रेसेस इनके साथ नजर आई हैं। लेकिन रिलेशनशिप के बाद भी सलमान खान ने किसी के साथ भी शादी करने का फैसला ही नहीं लिया, और ना ही खुलेआम किसी एक्ट्रेस को अपनी गर्लफ्रेंड या फिर उनके साथ कोई रिश्ता होने का कभी दावा किया। इसलिए ये अभी तक सिंगल ही हैं, और सलमान खान बॉलीवुड की दुनिया के सबसे कम एज के बैचलर हैं जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई है। नंबर टू, तुषार कपूर। तुषार कपूर एक ऐसा नाम है जिन्हें लोग इनकी सीरियस एक्टिंग से ज्यादा इनकी कॉमेडी अंदाज के लिए ज्यादा पसंद करते हैं। तुषार कपूर ने वैसे तो बहुत सी फिल्में की हैं, लेकिन इन फिल्मों में अपने बेहतरीन एक्टिंग का तड़का लगाने की कोशिश भी की है, लेकिन फिर भी इनकी फिल्मों को उतना प्यार नहीं मिला जितना कि इनके साथ दूसरे एक्टर्स को दिया जाता है। तुषार कपूर एक रईस खानदान से हैं और इनके पिता जितेंद्र भी फिल्मी दुनिया के नवाब रह चुके हैं। जितेंद्र को एक्टिंग में जितनी महारत हासिल हुई है, उतनी उनके बेटे को ना बाबा ना इनके नसीब में भी नहीं आई। तुषार ने बहुत सी फिल्मों में काम किया, लेकिन फिर भी इनका ज्यादा नाम नहीं बन पाया, और फिल्मों के दौरान तुषार कपूर का बहुत सी एक्ट्रेसेस के साथ नाम जोड़ा गया और इनके रिलेशनशिप भी बहुत चर्चा में रहे थे, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने किसी के साथ शादी नहीं की और अकेले ही पूरी जिंदगी काटने का फैसला कर लिया। कुछ समय पहले तुषार कपूर को सरोगेसी की मदद से एक बेटा मिला जिसका नाम इन्होंने लक्ष्य कपूर रखा, और आज ये सिंगल पेरेंट बनकर अपने बच्चे की देखभाल कर रहे हैं, और देखा जा रहा है कि आगे भी इनका शादी करने का कोई प्लान नहीं है, सिंगल ही खुश हैं। नंबर थ्री, तब्बू। तब्बू को हर कोई जानता ही है कि इन्होंने अपनी बेमिसाल एक्टिंग और जी तोड़ मेहनत के दम पर बॉलीवुड में कितना नाम कमाया है। 90 के दशक की ये हीरोइन आज भी पर्दे पर आकर कहर ही ढाती हैं, और तब्बू ने फिल्मी दुनिया में हर तरह के रोल निभाए हैं। साथ ही इन्हें ऑन स्क्रीन रोमांटिक अंदाज में भी देखा गया, और पर्दे पर ये जितनी रोमांटिक और हंसमुख नजर आती हैं, उतनी ही ये रियल लाइफ में भी हैं। तब्बू अपनी एक्टिंग, फिल्मों और रिलेशनशिप की वजह से हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं, और कहा जाता है कि तब्बू के बहुत से लोगों के साथ में अफेयर्स रहे हैं, जिनमें से एक का नाम साजिद नाडियाडवाला है, जो कि एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है। अक्सर तब्बू का नाम साजिद नाडियाडवाला के साथ में जोड़ा जाता है, और वहीं साउथ के सुपर हीरो नागार्जुन के साथ भी इनकी लव स्टोरी के किस्से कई बार सुनने को मिले। कहा तो ये भी जाता है कि बीते पिछले कुछ सालों से तब्बू का नागार्जुन के साथ में जबरदस्त वाला अफेयर चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता गया वैसे वैसे तब्बू भी अकेली पड़ती गई और हर किसी ने इनका साथ छोड़ दिया। इन रिलेशनशिप्स के बाद से तब्बू ने कभी भी शादी करने के बारे में सोचा ही नहीं, और आज तक ये अपनी जिंदगी अकेले रहकर ही गुजार रही हैं और बॉलीवुड में काम करती हुई नजर आती हैं। नंबर फोर, सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन, जिसे खूबसूरती की देवी भी कहा जाता है, और इनकी खूबसूरती के बारे में तो क्या ही कहें, इन्होंने मिस यूनिवर्स होने का खिताब भी जीता था, और ये 46 साल की हैं, लेकिन देखने में ये बिल्कुल 25 साल की लगती हैं। सुष्मिता अपनी एक्टिंग, खूबसूरती और अपने चुलबुले अंदाज की वजह से भी जानी जाती हैं। सुष्मिता सेन ने बॉलीवुड में बहुत ही कम फिल्में की हैं, लेकिन जितनी भी फिल्मों में इन्होंने काम किया है ना, वो सुपर डुपर हिट रही हैं। सुष्मिता सेन की पॉपुलैरिटी को देखते हुए हर कोई ये चाहता है कि ये ज्यादा से ज्यादा फिल्मों में काम करें, लेकिन सुष्मिता सेन फिल्मी दुनिया में ही उलझ कर नहीं रहना चाहती हैं। इसीलिए इन्होंने कहा था कि ये फिल्मों में ज्यादा काम इसलिए नहीं करती हैं ताकि ये अपनी जिंदगी खुलकर जी सकें। सुष्मिता को ना जिंदगी जीने का ज्यादा शौक है, और सुष्मिता सेन वैसे तो आए दिन खबरों में आती रहती हैं, और इनके बहुत से रिलेशनशिप भी सुर्खियों में बने रहते हैं। इनके रिलेशनशिप्स में जिस शख्स का नाम सबसे पहले आता है वो है रणदीप हुड्डा, और उसके बाद आता है विक्रम भट्ट का नाम, और साथ ही बिजनेसमैन ऋतिक बसीन और पाकिस्तानी एक्टर वसीम अकरम भी इस लाइन में शामिल है। मतलब इनके जादू में पाकिस्तान के क्रिकेटर भी बोल्ड हो चुके हैं।
ये भी कहा जाता है कि सुष्मिता सेन का रिलेशन अनिल अंबानी के साथ भी था। हालांकि ये सच है या झूठ ये हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन एक समय पर दोनों के रिश्ते की चर्चा जोर शोर से शुरू हुई थी और उस समय अनिल अंबानी का साथ सुष्मिता सेन ने ही दिया था। अभी कुछ दिनों पहले सुष्मिता सेन अपने से 15 साल छोटे रोहन शॉल के साथ दिखाई दी थी, लेकिन इनका किसी के साथ भी ज्यादा अच्छा और लंबे समय तक रिश्ता चल नहीं पाया। इसके बाद सुष्मिता सेन ने 24 साल की उम्र में एक लड़की को गोद लिया जिसका नाम इन्होंने रीनी रखा। रीनी के 10 साल बाद सुष्मिता ने एक और लड़की को गोद लिया और अब ये दो बच्चों को अकेले पालती हैं और खूब अच्छे से इनका ध्यान रखती हैं। हालांकि लेटेस्ट तौर पर सुष्मिता सेन का नाम ललित मोदी के साथ भी जोड़ा गया था। नंबर 5 रेखा। अब चलिए बात करते हैं एक्टिंग की देवी और अपने समय की एक बहुत ही खूबसूरत हीरोइन में से एक रेखा की। इनके बारे में तो हर कोई जानता है क्योंकि अपने समय में इन्होंने अपनी एक्टिंग का जादू कुछ ऐसा चलाया था कि जिसका असर हर इंसान के दिल और दिमाग पर देखने को मिला था। रेखा शुरुआत से ही अमिताभ बच्चन को पसंद करती थी और उन्हीं के साथ शादी भी करना चाहती थी, लेकिन इनका ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। अमिताभ बच्चन ने जया भादुड़ी से शादी कर ली और उनके साथ ही अपना घर बसा लिया। इसके बाद रेखा ने भी एक बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल के साथ शादी कर ली, लेकिन शादी से दोनों खुश नहीं थे, इसलिए दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला किया और डिवोर्स के कुछ दिनों बाद ही मुकेश ने अपनी फांसी लगाकर जान दे दी। शायद वो इस डिवोर्स की वजह से ज्यादा उदास थे और इसके बाद रेखा ने किसी से शादी नहीं की, लेकिन फिर भी वो आज तक अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं और बहुत से लोगों का कहना है कि वो अमिताभ बच्चन के नाम का सिंदूर अपनी मांग में सजाती हैं, लेकिन इस बात का कोई भी पक्का सबूत नहीं मिल पाया है। नंबर 6 अमीषा पटेल। अमीषा पटेल ये वो नाम है जिन्होंने शुरुआती दिनों से ही फिल्मी दुनिया में तहलका मचा दिया था। हर कोई डायरेक्टर एक्टर फैंस सभी इनके दीवाने बने बैठे हैं। अमीषा पटेल की पहली फिल्म कहो ना प्यार थी जिसमें इन्होंने ऋतिक रोशन के साथ मिलकर अपनी अदाओं का जलवा बिखेरा था। लोगों को इनका ये अंदाज इतना पसंद आया कि इन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से खूब नाम और शोहरत कमा लिया। कहो ना प्यार है के बाद अमीषा ने बहुत सी फिल्मों में काम किया और इसी दौरान इनके रिलेशनशिप के किस्से भी बहुत सामने आए, जिनमें से एक था फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट के साथ इनका रिलेशन। इनके साथ इनका रिलेशन काफी समय तक रहा और ये दोनों खूब सुर्खियों में रहे। अमीषा की मुलाकात विक्रम से आप मुझे अच्छे लगने लगे फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई थी और इसी बीच दोनों में मुलाकात का सिलसिला बढ़ता चला गया, लेकिन फिर दोनों का नाम अलग अलग हो गया और थोड़े ही दिनों में अमीषा लंदन के बिजनेसमैन के साथ नजर आई और सुनने में ये भी आ रहा था कि दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। लेकिन अमीषा ने इस अफवाह को सच नहीं होने दिया और सारे रिलेशन को खत्म करके अकेले रहने का फैसला किया और आज तक ये सिंगल ही हैं। इन्होंने शादी करने के बारे में ना सोचा तक नहीं अभी तक। नंबर 7 हरमन बवेजा। हरमन बवेजा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2005 में की थी और इनकी पहली फिल्म लव स्टोरी 2050 थी। ऐसे इन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया, लेकिन इनके लुक्स को जितना ज्यादा पसंद किया गया ना उतना उनकी एक्टिंग में लोगों को मजा नहीं आया और यही कारण था कि हरमन बवेजा की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल और धमाल नहीं मचा पाई। जितना ये अपनी फिल्मों की वजह से सुर्खियों में नहीं आए उससे ज्यादा ये अपने रिलेशनशिप की वजह से जाने जाते हैं। अब कहा तो ये जाता है कि हरमन बवेजा का अफेयर प्रियंका चोपड़ा के साथ चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद ही दोनों अलग हो गए। ऐसे ही आए दिन अलग अलग एक्ट्रेसेस के साथ देखे जाते हैं, लेकिन इन्होंने किसी को भी अपनी लाइफ पार्टनर के रूप में नहीं चुना और ये अभी तक अकेले ही हैं। तो दोस्तों, इनमें से किस सेलिब्रिटी को सबसे ज्यादा आप पसंद करते हैं कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।